नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। बिहार पंचायती राज चुनाव को लेकर हमारी पड़ताल हो रही है लगातार। बिहार में विधि व्यवस्था लेकर क्या कार्य हुआ है? सरकार ने एक तरफ करोड़ों का फंड अप्रोच करवाया, लोगों के बीच में जा करके छोटी छोटी सड़कें गली नली बननी थी, और कितना तक गुणवत्ता हुई है? सारी पंचायत हम टोटल जा रहे हैं बिहार में, बिहार पंचायती राज में क्या व्यवस्था बदल गया? भले ही सरकार जिस तरह से ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने बेहतर व्यवस्था किया है, पंचायतों को जो है डेवलपमेंट की ओर ले आया गया है, कितना तक डेवलपमेंट हुआ है हम उसी डेवलपमेंट पर आज बात करेंगे और दिखाएंगे आपको सच क्या है। हम पहुंचे हुए हैं दिगल बैंक प्रखंड के तारावाड़ी पंचायत, वार्ड नंबर 6 में मौजूद है, वार्ड नंबर 6 में है, और यहाँ जो है वार्ड सचिव भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, और खास करके पहले हम जनता से बात करते हैं। यहाँ जो ग्रामीण हैं उनसे हम बात करेंगे। जो आपने जो सड़कें यहाँ पे जो मुखिया द्वारा बनाया गया है मनरेगा से हुआ या निश्चय योजना से, क्या उनमें गुणवत्ता हुई है? अगर गुणवत्ता हुई है तो कितना परसेंट गुणवत्ता दिख रहा है? हम सारे चीज़ों को बारी बारी से दिखाएंगे। पंचायती राज चुनाव में पंचायत के चुनाव के जो अभाव हैं, जो चीज़ें बाकी रह गई, क्या वो अगले टर्म में व्यवस्था बदल जाएगा? हम सारी चीज़ें जानकारी लेंगे यहाँ ग्रामीण से। क्या प्रेजेंट में मुखिया जो हैं वो बरकरार रहेंगे सीट पे, या फिर उन्हें बदलने की चाहत रखते हैं? हम लोगों से जानकारी ज़रूर लेंगे। और पंचायती राज को जहाँ तक एक तरह से एजेंडा बनाकर दिखाया जाता है, सरकार ने जो फंड अप्रोच कराया वो कितना आया? एक तरफ सरकार जल नल योजना प्रशासन द्वारा करवाया गया, जल नल योजना में क्या फोकस है, और घर ग्रामीण इलाके में कितने लोगों को शुद्ध जल मिल पा रही है? एक तरफ सरकार जल जीवन हरियाली बचा रही है, वो कितना तक सफल हो पाया है? हम लगातार जो है इसकी प्रतिक्रियाएँ लोगों से ले रहे हैं, और लोगों से हम रूबरू भी कराएंगे कि सच क्या है। चलिए हम कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं। के यहाँ सड़कें बन गई है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गली गली और सड़कें बनवा दिया गया है, क्या लगता है काम के अच्छा हुआ है? काम तो अच्छा हुआ है। हाँ, आपके जो प्रेजेंट मुखिया है वो आपके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, और पंचायत में अब तक कितनी बार आम सभा और जो है ग्राम सभा करवाया गया? नहीं, वो तो उनका अखलाक बहुत ठीक है, काम भी अच्छा है, लेकिन इस सिलसिले में हम नहीं कर सकते। कई मरतबा वो आम सभा बैठाया, ये हमको नहीं मालूम है। अच्छा, क्या लगता है समय में क्या रहेगा उसका? नहीं, इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। अच्छा ही रहेगा, आप लोग रखेंगे या बदलेंगे फिर? वो तो हम कहेंगे अच्छा ही रहेगा। हम अपने इसमें आपकी राय में जानना चाह रहा हूँ, आपकी राय क्या है? हमारी राय तो पहले से भी जिसमें तो वोट दिए थे उसको भी उनको हम जानते हैं, उनके वालिद से बल्कि जानते हैं, और अभी भी उनको हम जानते हैं, बहुत अच्छे अखलाक हैं। अखलाक है, आप लोग बीच में आते हैं कभी मुखिया जी? हाँ, नहीं आते हैं, बोलो आते हैं, घूमने फिरने आते हैं। चल, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सज्जन मुल्क। वार्ड नंबर कितना में घर है आपका? 6 नंबर। 6 नंबर। नो प्रॉब्लम बेटा, आपके पंचायत में क्या लगता है विकास हुआ है? हाँ, विकास जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। अच्छा, आपके घर में सड़कें जरूरी, ऑलमोस्ट सड़कें नहीं हैं, तो कैसे आप लोग इसको मेंटेन करते हैं? बारिश होती होगी, कीचड़ होता होगा यहाँ पे, कैसे मतलब उसको डील करते हैं आप लोग? बारिश तो होता है तो पानी तो इधर से कलबट से निकल जाता है अभी। अच्छा। थोड़ा बहुत तो होता ही, वो कीचड़ होती है तो आपके वार्ड सदर से आपने कहा नहीं कि सर मेरा भी एक सड़कें बनवा दीजिए, छोटी सड़कें जो है गली? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि वो हम लोग अपने हाथ से मिट्टी भर रहे हैं, अपने से। अभी आप अपने से मिट्टी भर रहे हैं? जी, हम लोग अपने से मिट्टी भर रहे हैं, भी हम लोग मिट्टी भरेंगे उसके बाद आप। अच्छा, इस बार जो है पंचायत चुनाव है बिहार में, पंचायती राज चुनाव को लेकर लगातार सरकार जो अप्रोच फंड कराई थी करोड़ों रुपए पैसा देकर के व्यवस्था सुधार रही थी, क्या लगता है आप लोगों को, आप लोगों को पंचायत में विकास दिख रहा है? जो भी दिख रहा है तो अभी तो वही हो रहा है काम, रोड रोड का काम तो हुआ है और कलवलूट उबल का भी काम हुआ है। क्या रहेगा पंचायत में, मुखिया बदलिएगा या आपका प्रेजेंट मुखिया रहेंगे? वो अभी समय आएगा तो बताएंगे वो। फिलहाल आपकी क्या नीति, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। वो अभी बदली का सबका अभी ये है, बदलना चाह रहे हैं, बदलने चाह रहे हैं। क्यों, आखिर वजह क्या रहेगा इसके पीछे की जो बदलना चाह रहे हैं? 5 साल में हर जगह बदली होगा, बदली होगा, मतलब अब जो है बदलाव का नजरिया सब दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अशफाक आलम। मोहम्मद अशफाक आलम, ठीक। हेलो, आपका पंचायत में विकास हो गया? विकास हुआ है। मुखिया जी काम करते हैं आप लोगों के लिए? हाँ, काम करते हैं। अब तक कितनी बार पंचायत में आम सभा करवाया गया और ग्राम सभा करवाया गया? बढ़िया, ग्राम सभा लगा एक बार भी? हाँ। वाह, जाते हैं आप लोग कभी मिलने जाते हैं मुखिया जी से? जाते हैं। अच्छा, जन समस्याओं को लेकर सुनने के लिए आते हैं कभी आपके बीच में? आते हैं। कैसा मुखिया आपका? बढ़िया है, विश्वास है आगे काम करेंगे? काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हसीम। हसीम साहब, वार्ड नंबर क्या में घर है आपका? 6 में, ठीक। यूनुस साहब, 6 नंबर वार्ड में आपको विकास लग रहा है? विकास हुआ आपके वार्ड में, काम हुआ है आपके यहाँ? हाँ, यही रोड हुआ है, रोड बना है। आप खुश हैं मुखिया जी से?
हाँ मुखिया जी खुश हैं आप? खुश हैं? खुश हैं मुखिया जी, खुश हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव, पंचायत चुनाव होना है, आप लोग पंचायत में मुखिया बदलिएगा या आपको फिर से उसको वही रहेगा? कितना अच्छा काम कर रहा है आप लोगों के लिए? काम तो सही किया है। अच्छा, कभी आते हैं आप लोग के बीच में खबर खरीद लेने या कुछ समस्या आते रहता है? अच्छा, क्या लगता है पंचायत में विकास जो होना चाहिए वो पूरा दिख रहा है आप लोगों को? सब मिल रहा है। अच्छा, नाले बनने थे, कुछ नाले वाले बने हैं कि नहीं? नहीं, अभी नाले वाले तो इधर नहीं आया। शौचालय वगैरह बना है? शौचालय हम लोग का नहीं बना है अभी, नहीं बना। अच्छा, और जहाँ तक की बात है, आवास वगैरह मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, वो नहीं मिला है। और जहाँ तक की एक तरफ सरकार पेयजल स्वच्छ जल आपके घर तक पहुँचना था, वो पहुँच पाया कि नहीं? टूटी वगैरह पहुँचा है, लेकिन टूटी पहुँचा है, अभी सप्लाई नहीं हुआ। कितना दिन पहले लगा ये टूटी? ये हुआ महीना, एक महीना हो गया। हाँ, ये रोड के साथ साथ हो गया। अच्छा, तो वो टूटी दिख सकते हैं हम जरा सा? यही तो है टूटी। एक तरफ सरकार दावा करती है कि शुद्ध जल घर तक पहुँचाया जा रहा है, नलके खरी हैं, पानी का व्यवस्था नहीं है। हमने ग्रामीण से बात की तो ग्रामीणों ने कहा कि नले खरी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लगने का टूटी महीना भर हो चुका है। ग्रामीण इलाके में शुद्ध जल जहां तक सरकार की व्यवस्था है, आखिर हम बात कर लेते हैं जो जिनका घर है उनसे हम बात कर लेते हैं। व्यवस्था सरकार बदल रही है, व्यवस्था जनता चाह रही है, क्या है सचमुच उसका पड़ताल लगातार हम कर रहे हैं। चाचा, नलके लगी हैं, टूटी गायब है, पानी नहीं मिल रहा है, क्या लगता है आपको ये व्यवस्था आपके लिए ठीक हो गया? व्यवस्था तो हुआ था, अभी चालू नहीं हुआ है ना, एक महीना हो गया, पानी अभी तक नहीं पहुंचा है? नहीं, नहीं पहुंचा, सिर्फ देख रहे हैं कि टूटी लगी हुई है। हाँ, टूटी लगी हुई है। हाँ, आप लोग समझ गए कि बेहतर हो गया सब कुछ? अब तो हो गया, तो चालू होगा तब ना? चालू होगा तब, तब तक मतलब आप लोग इंतजार करेंगे? अभी तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग। मैं फिर से आपका नाम जानना चाहूंगा। मोहम्मद यूनुस। मैं बात कर रहा था यूनुस साहब से, यूनुस साहब ने कह दिया कि नलके जल लगी हैं, पानी आएंगी, पर पता नहीं कि विभाग में खानापूर्ति हो रही है या सचमुच व्यवस्था पूर्वक है। मैं सर के दिखा रहा हूँ, आखिर पंचायत में, ताराबाड़ी पंचायत में विकास की गंगा बह रही है सचमुच या सिर्फ दिखावा हो रहा है। हम खुद ग्रामीण से जानकारी ले रहे हैं कि व्यवस्था किस तरह से लगातार मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि व्यवस्था हुई है, कुछ काम अधूरे रह गए हैं, मगर कितना जल्दी इनको व्यवस्था पूर्वक लाएंगे, आने वाले वक्त पर जनता से जरूर राय लेंगे। हम अब बात कर रहे हैं यहाँ ताराबाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 6 में। यहाँ के सचिव ने कहा कि बेहतर व्यवस्था, गुणवत्ता व्यवस्था, गुणवत्ता दिख रहा है सचमुच, इसकी पड़ताल जो हमने उठाया है और सचमुच दिख भी रहा है। भले ही कुछ पंचायतों में गुणवत्ता के नाम पर खानापूर्ति हुआ हो, मगर ऐसे में ताराबाड़ी पंचायत में व्यवस्था बेहतर दिख रहा है। दिगल बैंक प्रखंड से संवाददाता मिन्हाज आलम, कैमरा पर्सन मौसिन आलम के साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वी रिप्रेजेंटेटिव देन स्मार्ट टाइम्स न्यूज, वी काइंडली ऑफ रिस्पेक्टेबल देन पंचायत गवर्नमेंट ऑफ बिहार, देन पंचायत डेवलपमेंट ऑफ एरियाज, बट रूरल डेवलपमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इशूज देन कम्बाइंड देन फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन स्मार्ट टाइम्स श्यामल कुमार दास, चलिए हमारे साथ हैं, हम जानकारी लेंगे। पंचायत में आपने अब तक कितनी बार जो है आम सभा करवाया, और पंचायत में जो है ग्राम सभा कितनी बार हुई है, और जिस जहाँ तक हमने पंचायत का दौरा किया, क्षेत्र का भ्रमण किया, लोगों की ज़्यादातर आवाज़ें हैं कि लोग फिर से चाह रहे हैं आपको मुखिया पद पर बने रहने के लिए, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और ऐसा क्या आपने जादू कर दिया कि लोग फिर से चाह रहे हैं? अगर और जगह तो हमने देखा बदलाव का भाव चल रहा है, मगर आपकी पंचायत में ऐसा कौन सा चीज़ हो गया कि जो लोग चाह रहे हैं कि नहीं आपके साथ है? देखिए, सबसे पहले आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने पंचायत में घूम करके कुछ जायजा भी लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा सवाल चुनने की, तो पब्लिक हमें चुन के भेजती है पंचायत चलाने के लिए, और चुने हुए लोग जब कुर्सी पर आते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि पब्लिक का कोई भावना का ख्याल रखे, लेकिन मेरी सोच ये है कि हमारे लोग जो चाहते हैं मुझे उसकी पूरी भावना और कदर को रखते हुए काम करना है। श्यामल, श्यामल जी, आखिर ऐसा क्या आपने कर दिया जो लोग एक ही आवाज़ दे रहे हैं? मैंने परसेंट की बात की, भाई 100% में कितना परसेंट, किसी ने कहा 95%, किसी ने कहा 90%, किसी ने कहा 80%, आखिर वजह क्या रही कि जो लोग अभी पसंद कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं बिहार में कि जहाँ लोग नहीं चाहते हैं कि मुखिया दोबारा बने, बदलाव किया जाए, मगर आपने ऐसा क्या विकास कर दिया कि विकास की गंगा बह रही है, लोग कह रहे हैं उसी गंगा में रहना है, आखिर क्या है ऐसा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जब पंचायत चुनाव में मुखिया के लिए सोचा कि मैं मुखिया में लड़ूंगा, तो मेरी सोच उसी समय से थी कि जब से देश आज़ाद हुआ है उस समय से मेरी पंचायत जो बहुत बैक चला हुआ, यानी विकास की धारा कुछ थी ही नहीं, यानी लोग उस समय भी जब बरसात होता था तो
जूता और चप्पल खोल करके उसको मेन सड़क तक जाना पड़ता था। तो मेरी सोच ये रही थी कि पहले लोगों को सड़क मुहैया करवाया जाए, वह सुविधा देने के बाद कुछ गांवों में बिजली नहीं थी उसका व्यवस्था दिया जाए। तो पहला कदम मैंने उठाया सड़क से कि सड़क अगर लोगों की ज़रूरत पूरा करता है, अगर कोई बीमार पड़ता है वो अपने घर से अगर मरीज को हॉस्पिटल तक सही ढंग से नहीं पहुंचा पाए तो देरी होने पर बहुत कुछ हो सकता है। तो हर गांव को मैंने सड़क से मुख्य सड़क से जोड़ने का पहला काम किया। आपके पंचायत में कितनी बार अब तक आम सभाएं की गई है और ग्राम सभा करवाया गया है? वो तो साल में सर 3 से 4 बार हम लोग करवाते हैं जी। जो सर्कुलर है उस आधार पर हम लोग ग्राम सभा और आम सभाएं करवाते रहते हैं। अच्छा, कितने ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपने अपने हाथों से सॉर्ट आउट किया है जो विभाग द्वारा नहीं हो पाया? बहुत ऐसी सड़कें थी जो बहुत वर्षों से पड़ी हुई थी, लोग चाह रहे थे कि बनना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग राजनीति के चलते वो होने नहीं देना चाह रहे थे। तो मैंने दोनों पक्षों को लेके बैठा उस मामले को और दोनों की बातें सुनते हुए दोनों का मामला हल किया। कुछ पुराने जैसे मसाले थे जगह जमीन वाला, वो सारा भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पंचायत से अभी केस भी नहीं पहुँचता होगा थाना। कुछ केस है जो क्रिटिकल है जो अभी के दौर के हिसाब से चल रहा है वो पहुँच सकता है। बाकी जो झगड़ा वगैरह होता है इस मैटर पर अब तक तो बहुत ही कम नहीं के बराबर है कि वो चले जाते हैं। और मेरा सामंजस्य थाना प्रभारी से भी रहता है, ऊपर बड़े पदाधिकारी से मैं मिलते रहता हूँ। मेरी सोच रहती है कि पहले हम लोग अपने स्तर से। अच्छा, लोगों ने ये भी कहा कि मुखिया जी हमेशा घर पे आते हैं, अब घर पे जो जाते हैं तो क्या किस अवस्था में जाते हैं, मिलने के नियत से या वोट बैंकिंग की नियत से? नहीं, सिर्फ मिलने के नियत से, मैं वोट मांगने नहीं जाता हूँ सर। अभी भी मैं घूमता हूँ, गांव में जाता हूँ, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे आप वोट दें। मेरा काम अगर अच्छा हुआ है और मेरे लोगों से अच्छे तालमेल है तो उस आधार पर मुझे हक मिलना चाहिए। अच्छा, मैंने कुछ सड़कें भी देखा कि जो टूट टूट गए हैं, क्या रहेगा उनका चुनाव के बाद या चुनाव से पहले? उसको तो हम लोग मरम्मत करवाएंगे, उसको कुछ अपने स्तर से भी करवाना पड़ता है। जी जी, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सड़कें तो टूटती रहती है फिर बनती भी रहेंगी। मौसम जी, सवाल, गली नाली का काम तक नहीं देखे, कहीं कहीं नाली नहीं बना, लेट क्यों हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ तो जो पहले से दिया हुआ था तो टाइम के हिसाब से हम लोग कर लिए। अभी कुछ पैसा 8 लाख या 9 लाख के आसपास आया था, वो पैसा मैंने वार्ड में दे दिया है, वो भी काम प्रक्रिया में। स्ट्रीट लाइट कितने लगाए? स्ट्रीट लाइट मेरे यहाँ सर अब तक 200 के आसपास लग गया, 210। और कहीं बाकी है? बाकी तो है मेरा, अभी इस साल का और 2 प्रोजेक्ट लिया हुआ है। कौन योजना से? ये मेरा पूर्व में पैसा जो था पंचम वित्त में और चौथवी में पहले से जो था उसका मैंने अभी यूज किया। मनरेगा से कितने काम किया? मनरेगा से तो अनेकों काम है, PCC करवाया, कलवट करवाया है, कच्ची सड़कों का भी यूज हुआ है, बहुत सारा मिट्टी करना लिया हमने देखा है, कोई ढक्कन नहीं है। अब वो एक्चुअली वो उस आधार पर ही लिया गया था, कुछ जगह में जैसे लोगों का जाना आना जहाँ है वहाँ ढक्कन की व्यवस्था दी गई है, जहाँ मान लीजिए सफाई वगैरह का भी व्यवस्था होना चाहिए तो उस आधार पर खुली जगह में जो है। अच्छा, हमने कई जगह देखा है डस्टबिन योजना चलाया था, डस्टबिन आपका अधर में पड़ा? हाँ, डस्टबिन हम लोग अभी कुछ ही लिए थे, अभी डस्टबिन अभी मेरा जो है अप्रैल से आने वाला है, घर घर डस्टबिन दिया जाएगा, हर परिवार को दिया जाएगा। हाँ, सरकार के तो प्लान है, हम लोग तो चाह रहे हैं कि हर परिवार को मिले। नहीं, इससे पहले जो लगा था हर वार्ड में, इससे पहले लगा था तो हम लोग ज़्यादा नहीं लिए थे, चूँकि वो फंड के हिसाब से ही लेना पड़ा था, तो जितना लिए थे लोगों को दिया गया, अभी बहुत सारा लोगों को देना बाकी। बहुत सारे जगह हमने देखा कि डब्बे है नहीं का। हाँ, वो अब तो मान लीजिए है डब्बा होगा फिर कहीं ना कहीं वो रखता होगा, कोई घर के पीछे रखते हैं, कोई बक्सर रख के किनारे रखते हैं, क्योंकि उसकी व्यवस्था जैसे आप डस्टबिन में अगर मान लीजिए कचरा प्रबंधन का व्यवस्था है तो उसके लिए फिर उठाने का भी व्यवस्था देना होगा। उठाने का व्यवस्था वो भी व्यवस्था देने की तैयारी में है। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा है श्यामल जी आपसे कि घर घर जल नल योजना मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, बार बार फरमान जारी करते हैं, जो मुखिया अगर इस पर ध्यान नहीं देगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कई ऐसे नलके हैं जो खड़ी हैं, वह पानी तक नहीं है। हमारे यहाँ तो अपना जिला की बात मैं जानता हूँ, जहाँ तक हमारे यहाँ टेंडर के द्वारा ही जल नल की कार्य चल रहा है और कार्य प्रगति में है और जोर शोर से चल रहा है। हमको लगता है कि आने वाला 15 से 20 दिन के अंदर ही वो इसका लाभ जो है लोगों को मिल जाएगा। हाँ, लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रिप्रेजेंटेटिव पंचायत इलेक्शन, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो महफूज आलम है। अच्छा, कितना नंबर वार्ड में खड़े आपका? 6 नंबर वार्ड। 6 नंबर वार्ड में क्या पंचायत में काम हुआ है 6 नंबर वार्ड में आपका?
काम हुआ है। क्या लगता है, बेहतर व्यवस्था हुआ है, गुणवत्ता दिख रहा है आपको? गुणवत्ता दिखता है। क्या लग रहा है इस बार जो पंचायत चुनाव होना है, पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी को बदलेंगे या फिर प्रेजेंट मुखिया उन्हीं को रखेंगे आप लोग? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ पिछड़ा वाला है, इसलिए कि डायरेक्ट है, इसलिए बेहतर है। तो पिछड़ा अभी सीट रहेगा, तो इस बार क्या रहेगा उनके प्रति, क्या रहेगा, रखेंगे बदलेंगे क्या करेंगे? नहीं, उन्हीं के प्रति रहेंगे। अच्छा अच्छा है। अच्छा, अगर बारी आती है नंबर देने की तो 100% में से आप कितना नंबर देंगे उनको, जो विकास को लेकर के? विकास को लेकर के हम तो देखते हैं कि 100% देंगे। 100% विकास आपको दिख रहा है? हाँ, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं का विकास आपके क्षेत्र में हुआ है और अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितनी बार आपके पंचायत में आम सेवा की गई? आम सेवा बहुत बार की गई है। तो आप लोगों के बीच में ही हुआ है? हाँ, बीच में हुआ है। अच्छा, बोला जनता के, जनता ओपिनियन में सब कुछ खुल के बात होती है या फिर एक खोते की चार दीवारी के अंदर बात होती है? ऐसा खुलते ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? क्या क्या नहीं, क्या दिक्कत है, बोलिए आप, बोलिए। The since the calling from the discuss, you asked to me then Panchayat Development of Government Bihar, Nitish Kumar has been to lots of the Mukhya representatives and we currently of Specsism. Live 24 News, Kishan Kanch. Minhas Alam, Kara Parshad, Anjali Amukshan, Rabat.